अंधेरी रात में झोली वाले बाबा आते हैं और लोग गायब हो जाते हैं। मेजन को लगता है झोली वाले बाबा 12 बजे आते हैं। लड़कियां कहती हैं सुबह के 1 या 2 बजे। मेरे हिसाब से वो सुबह के 3 बजे आते हैं, जब सिर्फ मैं जागी रहती हूँ, हमेशा की तरह, जैसे कि आज। बिस्तर से बाहर मत निकलना। खिड़की के पास मत जाना और पर्दे के पीछे मत झांकना।
के पास मत जाना और पर्दे के पीछे मत जाने का कोनो रास्ता ना है। उड़ सको तो बात दूजी, हमका भूख लगी है, पेट गुड़ गुड़ कराता है। ये क्या आवाज़ है?
मांस खाने वाला, हड्डियां मसलने वाला, कचूबर बनाने वाला, बच्चा निकलने वाला, कच्चा चबाने वाला, कीड़े निकलने वाला, खून चूसने वाला, आंखें नोचने वाला, खून चूसने वाला, हाँ, और खाल छीलने वाला भी। खाल छीलने वाला? प्लीज मुझे मत खाना। हम दैत्य हैं, इसका मतलब जेना कि इंसानों को खटक जावत है। हम इंसानों को खाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, पगलाई गई होगा। तो आप कौन हैं? आखिर आप किस तरह के शैतान हैं? जय कर देना बलती। आप मुझे उठाकर ले आए हैं। हाँ, जय बात तुमने सही जकड़ी। पर छोड़ो, हम कोई बड़ी चोरी थोड़ी ना की हैं, वैसे भी तुम इतनी सी तो हो। हमका बुरा लगता है तुम्हारे माँ बाप के वास्ते, मत बोल बेचारे कूट कूट कर। मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं है। नहीं है? जब मैं बहुत छोटी थी वो मर गए। तो तुम एक अनाथ हो? हाँ, आपने मुझे एक अनाथ आश्रम से उठाया, आपको नहीं पता? हमका पता नहीं था। तुम वहाँ खुश थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे चलाने वाली मेट्रन बहुत खड़ूस थी और उनके अजीब नियम थे, और पता है वो बात बात पर सजा भी देती थी। सजा देती थी? वो हमें तहखाने में बंद कर देती थी और वहाँ चूहे ही चूहे थे। बुढ़ी हो सटकाई की। बाकी के देते क्या वो भी आप जितने ही अच्छे हैं? ना, अच्छाई से तो 200 दूर है, वो तो तुम्हें एक ही बार में ही खटक जाए। हमारी ऊंचाई है 24 फुट, इस दैत्य के देश में सुंफली बराबर, और तुम अब वही तो हो दैत्यों के देश में। पर आप मुझे यहाँ क्यों लाए, मतलब मेरे देश से अपने देश में? तो फिर हम करता भी क्या है? क्योंकि हमारे जाने के बाद तुम जोर जोर से फैल लाती और दुनिया को सर पे उठा के सबको बता देती कि तुमने एक दैत्य देखा, और फिर हर तरफ धड़ बर्फा बर्फी मच जाती, सारे इंसान उन दैत्य को ढूंढने में लग जाते जिनका तुमने देखा था, और लोगों के सर पर खून सवार हो जाता और हमको पिंजरे में कैद कर लेते। जहाँ कहीं हमारा हाथ लगता वो क्या कहते हैं, हिप्पो मोटालो और अगर मगर मच और जीरा सौंफ को, और फिर तुम्हारे इंसान लोग यहाँ के सारे दैत्य का पीछा बिना हाथ धोए लग जाते। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरी सुनता ही कौन है, और वैसे भी मैं एक बात बता दूं कि मैं बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं हूँ। तुम जरूर बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जरूर बताओगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जरूर बताओ। नहीं बताऊंगी। तुम ही भागो दुनिया में, सबको बताओगी, और वो भी बक बक बकिया रंगीन डब्बे और चू चू करने वाले रेडियो पर। मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। प्लीज मुझे घर ले जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अब हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं पर गुजरने वाली है। आपका मतलब मेरी जिंदगी, मेरी बाकी की सारी जिंदगी? ए, कहीं ठंड के मारे तुम्हारी कुर्की तो नहीं जम रही है? मत बस तुम्हारे छुटके कपड़े में। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सुनो लड़की, हमरे बिना इस गुफा से बाहर जाने की भलती से मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारा 0 बटा 0 कब होगा पता नहीं चलेगा। आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं हजारों बार भाग चुकी हूँ, आप मुझे नहीं जानते। कैसे जानूंगा, अभी तो मिली हो, तनिक जानने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल चालाक ना हो, हम तुमको जकड़ लूंगा। ओ दैत, वो लोग तुमको ऐसे खटक लेंगे जैसे कोई डोसा मोसा खड़ा हो।
वो मसाला डोसा होता है, डोसाला मोसा नहीं, और जीरा सौंफ जिराफ होता है, अगर मगरमच्छ मगरमच्छ, और हिप्पो मोटालो मतलब हिप्पोपोटामस होता है। अब का है ना, हमारी बातें जरा घूम फिर जाती है। ये बड़े बड़े देशों में ऐसा खोटी बात होती है, यहाँ थोड़ी ज्यादा होवत है तो कब हुआ? माफ कीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वैसे हम जो कहत हूँ और जो हमारा मतबल होता है, वो कभी कभी एक दूजे से मेल न खावत है। ए बच्चे, ए ये का पढ़ रही हो? निकलस निकलबी। उन बर्नियों में क्या है? सपने। सपने कोई चीज नहीं होते, मुझे तो सपने आते नहीं, मैं सोती जो नहीं हूँ। ये तो बात है, सपने अब कहाँ बताएं? दरअसल बहुत ही रहस्यमय हो बता है सपने। बार बार वो बस सोते हुए लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, नसें फड़फड़ा रही थी, बदन जल रहा था और आंखें लाल और भारी थी। आपको आपको पढ़ना आता है? ख्याल आते रहे, जाते रहे, भटकाते रहे, और उसे लगा मानो उजाला उसे भटका रहा हो और उस रोशनी से बचता छिपता रहा, जैसे कोई भयानक भद्दी चीज हो। जी तो मैं
बात सही जकड़ी। मैंने कहा था ना मुझे सपने नहीं आते, तो ये वाला सपना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही डरावना था। वो करना जरूरी भी था। तुम जैसे कल की छुटकी वो हमारे जैसे बाबा आदम के साथ ज्यादा बहस न करनी चाहिए। दैत्य हत्यारे और बहुत बड़े आदम खोर पोत हैं। वो इंसानों को ऐसे निकल जाते हैं जैसे भुरी हुई सूंफली हो। इंसान इंसान नहीं। जो भी हो खाना तो तुम ही बनोगी। ये हरा शरबत क्या है? ककड़े शरबत। सारे दैत ककड़े शरबत पिया था। इसका झाग उल्टी तरफ बन रहा है। हाँ हमारे यहाँ बुलबुले ऊपर उठते हैं। ऊपर 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 जाने वाले उलूले गंदी डकार देते हैं। पर कभी कभी डकार आ भी जाए तो क्या हर्ज है? जी बहुत गंदी होते हैं। पर अगर आपके पेट के बुलबुले नीचे चले जाएं और फिर बाहर निकले किसी और जगह से, तो उसका नतीजा तो और भी बुरा होगा ना? हाँ, पेट की पुकार। पेट की पुकार? हाँ, असली खुशी का असली पहचान है। कैसे खुल गई? तोरी पटर पटर से नींद हराम हो गई। चल देखो लगी है ठीक। अब अभी वक्त नहीं है हमारे पास। अबे गुस्सा ना चढ़ा चिरकुट। भाई छोड़ो ये सब, अभी वक्त ना है हमारे पास। अभी हमको पानी भरने का है। ना ना ना, दूर हटा ये पानी, दूर हटा, हटा। हाथ दे अपना। तूने कोनो नया आलतू पालतू पाला बे? इंसान की गन्ना होता है, हम ढूंढेगा। अरे सीधे खा जाएगा झट से। तू गलत दैत की नियां कर रहा है। आपकी इंसान का है मांस चाहिए। अरे सुन सुन सुन, अगर भूख लगी है तो ये ककड़ भुजा खा ले। अरे ये ककड़ भुजा एकदम ताजा होगी। तू बैठन के घास फूस खा चिरको। नहीं तो ठीक ना है, खा के तो देख मांस खाओ। हम तो मांस खाई। वैसे एक बात बोल, हमें सब्जी को दिन भर खाते हैं चबाते हैं और फिर सो जाते हैं। अभी तू सड़ियल है। वैसे तो ईका देख के उल्टी आवत है, पर आज ईका खुशबू कुछ बढ़िया आवत है, कुछ जानी पहचानी सी। ठीक है तो खाओ ना। इमा अपने दांत गड़ा के देखे कितना लाजवाब है। रुक, रुक। तुझे तो सब्जियों से चिढ़ है, तू तो सिर्फ इंसान खावत है। हाँ, सब्जियों से चिढ़ है, सिर्फ इंसान खावत है। वही तो हम बोले नहीं, हम बोले, हम बोले हमका बहुत चिड़ है सब्जियां से, फला से। पानी? हाँ पानी, पानी से बहुत पी ले जावत है। चिरकुट
तू दैत्य के नाम पर भब्बा है। आयुष करो। और कुछ पहनने के लिए है? तुमको ये जैकेट कहाँ से मिला? आपकी कबाड़ से। अच्छा है ना? क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? आप कहाँ जा रही हैं? काम के वास्ते। आप क्या काम करते हैं? अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि हम तुमको अपना सब राज बता दें? मैं किसी को नहीं बताऊंगी,
बता भी कैसे सकती हूँ, मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ जो फंसी हूँ। सपनों को जकड़ता हूँ मैं। मुझे भी साथ चलना है। नहीं, ना हो सकता। अब तुमको यहाँ ही रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ रहोगी क्योंकि तुम इंसान जो हो, और उन देवताओं के लिए इंसान देसी घी की जलेबी और रबड़ी की तरह है, इसलिए यहाँ रहो क्योंकि तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। ये नामुमकिन है। हम सपने जगड़ने जा रहा हूँ, जैसे रोज जाता हूँ अकेले। आदत से खजूर होना है। पर आप मुझे इनके साथ छोड़ के जा रहे हैं, ये मुझे कच्चा खा जाएंगे। अरे वो लोग तो मस्ती में सोवत हैं। नहीं, हमका भी चलना सपना जगड़ने। हम सपने जगड़ने जा रहा हूँ अकेले, तुम वहाँ आराम से जाके सो। इसकी आदत पड़ जाएगी। क्या छोड़ो, हमको अपना काम पकड़ना है। वो मांस खाने वाला, वो मुझे आके खा जाएगा, फिर मेरे खून का इल्जाम तो आपके बड़े सर ही लगेगा ना। हर बात तुम्हें हमारी खोपड़िया के ऊपर से जावत है, समझ गई बच्ची? तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो, किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज। देखो वो फर्राटा लेते हैं, तो अब जरा संभल के ही यहाँ से खींचक लो। हमें चुपचाप उस सोने वाले देवतियों के आगे जाना है, सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ यानी बहुत ऊपर पहुँचना है। बिन दहाड़े गिपचिप कहाँ खिसकता है चिरकुट? आ जाए,
हम अपने काम पे जाते हैं। तो के ऊपर किसी जासूस की नजर पड़ी और वो हमारा शिकार किया था। हम नहीं चाहो किसी को हम देते उनका खबर चले। अरे हमका नीचे उतरना, माफ करो, इन सब का झपकी लेने दो। अब जब निन्नी उड़न हो गई तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी मटर मस्ती, मटर मस्ती हो जावे। मटर मस्ती का है, मटर मस्ती बोले तो मटर मस्ती खेल मेल। चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ करते क्यों नहीं? कीड़ा देख लो लपक लाई का। तुम हमारे साथ शिकार शिकार खेलो ना चिरगुड़वा। देखो वो आसमानी गंदों का पानी बरसने वाला है। पानी पानी अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए, ये गलत है। हम यहाँ नौ इंसान खाने वाले दैत्यों के साथ रहता हूँ, वो लोग चीनत हैं। हम भटाई करता हूँ, इंसानों के सपने भरता हूँ, कम से कम कुछ तो भलाई का काम करते हैं, हाँ? कुछ तो गलत है ना। हम क्या कहते तुम? पहुंच गए आखिरकार। तुम अब सपनों के देश में हो बच्ची, हमने तुमको अपना राज बधाई दिया। उन तारों को देखो। हाँ, आसमान साफ हो तो ये दिखत, हमका तो ये तारों से निकलत संगीत तक सुनाई देते। अच्छा, और कुछ बताइए ना। वैसे हमका तो एक दूजे से कप्पे मारती चीटियों की छोटी छोटी आवाज भी सुनाई देती,
इतना सुनने की भी वैसे बहुत बकड़ बकड़ करता है। जब भी देखो ये बात पर झगड़ता है कि कौन सबसे खूबसूरत तितली बनेगा। रुक क्यों गए, और कुछ बताइए ना। हमका तो पत्तों पर चलन झींगों के कदमों की आवाज तक सुनाई देता, और हमारे कानों को सबसे मजेदार कहानी तो पेड़ पौधों से सुनने को मिला था। वो सांस लेता है, बढ़ाता है, हंसाता है, बतियाता है, तुम्हारी और हमारी तरह है। आजा आजा नीचे तो। हम सारी मीठी मीठी और सारी अजीब डरावनी भयानक बातें सुन सकता हूँ ये दुनिया की सारी रहस्यमय फुसफुसाहट तक। सच्ची? तुमको लगता है हम बंडल मार रहे हैं का? नहीं, बस इन सब बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एक मोड़ पे कोई एक ऐसा मिला था जो हमको बुलाता था बड़े फरिश्ते जी। हम तुमको कहा बुलाए बच्ची? मेरा नाम सोफी है। तो कूदो सोफी। यहाँ से हमने सारे सपनों की शुरुआत होती है। जैसे कोनो सपना पास से उठ के जावत है, इतना मुलायम होते उनमें से आवाज आते है, एक तरह की गूंज गुनगुनाहट बिल्कुल संगीत के जैसे। देखो तनी, ये तो एकदम रोशन लड़की जैसी है। आज का तो ऐसा सपना देखने को कम नहीं। जगड़ लिया, ये शायद तुमको पहचाना था बच्ची। देखो ये एक सुनहरी रोशन लड़ी है। काश मैं इसे सुन सकती।
जा, बहुत मुलायम है ये। क्या आप सच में सुन सकते हैं ये सपने क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही किया, आज बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। कैसे हो खूबसूरत सपने? कोशिश करो नन्नी परी। नहीं, नहीं कर सकती। जकड़ सकती हो अपनी नन्नी नन्नी चुगलियों से। सोफी के सपने। जाने दो सोफी, ये दे दो, हमको दे दो, ला दे दो, दो। अरे ये कहाँ पकड़ ली तू? ये तो हमको बहुत बुरा सपना लगा था। यहाँ पर भी बुरे सपने होते हैं? ये एक अंधेरी छड़ी है। हम इनको कैद कर लूंगा। शैतान पूरे सपने कहीं कहीं। ये पूरा सपना क्या कह रहा है? ये कहा था, देखो तुमने क्या किया है, और तुमने जो किया है वो माफी के काबिल ना है। आप कहाँ हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बड़े फरिश्ते जी, फरिश्ते जी, आज से मैं आपको बुलाऊंगी BFG। तुम हमको जान जान बुला सकती हो। अब आप कहाँ जा रहे हैं? सपने फूकने, इंसानों के लिए कुछ तो भला कर सका।
यहाँ क्यों? हमका एक नन्ही दिल की आवाज सुनाई थी। अब बताओ तुम कहा चाहते हो बच्ची? इन बच्चों को खुश कर दो। बीएफ जी, क्या आपको सपनों के बारे में आपकी माता पिता ने सिखाया? दैत्यों के माँ बाप ना होते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारे हिसाब से उतनी जितनी हमारी पृथ्वी की है। आजकल हम थोड़े से चरमरा गए हैं, पर हम दैत्य लोग हमेशा टिके रहते हैं। चलत जाते हैं, हमारी टिकटिकी बंद ना होते है। पीएफ जी, अनाथ आश्रम में आपने मेरे दिल की आवाज भी सुनी थी? हाँ, अभी भी सुन सका था। क्या सपना दिया? अब देखो, ये बच्चा सपना देखत है कि उसके घर का टेलीफोन हुआ बज रहा है। उसके बाबा फोन उठाए के कहते हैं, हाँ हाँ मिस्टर गोलाश बोल रहा हूँ। और फिर वो ऐसे सांस भरने लगता है जैसे गले में कोई डंडा अटक गया हो। और फिर वो बोला, कौन का जी? सर हम समझता हूँ, पर सुनिए सर, आपको हमसे बात करनी चाहिए, हमारे छोटे बेटे से नहीं। और फिर उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जावत है। और उसके बाद वो बोला था, जी सर वो यहीं पर, जी सर। और फिर वो अपने बेटे को फोन थमाने से पहले पूछता है कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट को जानते हो? तो बच्चा बोला, हमका लागत है वो हमको जाना था। और फिर बच्चे ने फोन लिया छुटकू में और घंटों तक फोन पर प्रेसिडेंट से बक्का लड़ाता बतियाता रहा। हम ये सब अच्छे से संभाल लूंगा प्रेसिडेंट साहब। अरे नहीं 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 नहीं, आप घबरा कर देंगे सर, मतलब अगर आपने ये काम किया तो। और वही वक्त उसकी माँ कमरे में आ गए और उसके पिता ने उसकी माँ को बताया। और फिर ये चलता गया। सपने फटाफट निकल जाते हैं ना? हाँ, बाहर से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन नींद में बहुत वक्त लेता है। क्या तुमने कुछ सुना? यहाँ कौन माता पिता अपने बच्चे के लिए आंसू बहावत है? वो देखो, शैतान कहीं के, हमें इन्हें रोकना होगा। आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते बीएफजी। BFG, आपने मेरे कंबल का क्या किया? हम सोचा वो तुम्हारे पास ही है। वो गया किधर? कहीं हमारे चोगा में तो नहीं है? शायद वो मुझसे कहीं छूट गया। मत बोलो तुमसे दैत्य देश में छूट गया। दैत्य देश
क्या मैं सो गई थी? आप मुझे सपना क्यों दे रहे हैं? आप मुझे क्यों सपना दे रहे हैं? आप मुझे सपना क्यों दे रही हैं? तुम अपना कंबल वहीं छोड़ आई हो। तुम्हारे बारे में उनको पता चल गया होगा। अब तुमका हमारे साथ रहना ठीक ना होगा बच्चे। क्यों? क्यों मेरा आपके साथ रहना ठीक नहीं है? हाँ? कुछ नहीं होने वाला, घबराओ मत। एक तो बबुआ होता था, वो का पढ़ना बहुत पसंद है, उसी ने हमको पढ़ना सिखाया। तू की छोटी लाल जैकेट पहनी हो, वो का तनहा दिल की आवाज हमको वैसे ही आई जैसे तुम्हारे दिल की आई थी। फिर उसने हमको देख लिया, तुम्हारी तरह हम उसको उठा के झटा झट ले गए। हम उनको घर वापस ला सकते थे और तब तक बहुत देर हो गई। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। हम उन दैत्य को रोकेंगे, हम उन्हें हमेशा के लिए कहीं और भेज देंगे। आप चींटियों को बात करते हुए और मकड़ियों को जाल बुनते हुए सुन सकते हैं, यहाँ तक कि तारों की आवाज भी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे पता है आप यही हैं। आप यही है ना पीएफजी?
क्या करें, कोई तो तरीका होगा। क्या आपने सोचा हमें क्या करना चाहिए? हमारे दिमाग में न कोनो तरकीब आवत है और न जात। तो कोई तो रास्ता निकालिए। चेकाट सोफी, छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ। खुद को बहुत चालाक समझत है। अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी ऊ का खुद ही ख्याल रख सकते हो। खुदाई इंसान भी ढूंढ ले। बस चलो निकल जाते इंसान को लेकर जावे। भीतर तीतर हो जाओ, चक्कर के लाओ इंसान को। बड़ी मेहनत से हम देखा है, हमारी मेहनत नहीं बिगाड़ो तुम सब। हमारी बात हमारी बात कभी तो हमारे साथ सराफत से पेश आओ। सराफत से तो ढूंढ रहा हूँ, हमका भूखी लगी। ढूंढो Thank you.
रिश्ते जी और मैं। हमारे सारे सपने उड़न फू हो गए एकदम से। उड़न छू फू नहीं। ये शब्द अब क्या बताऊं, सारी जिंदगी ये शब्द हमने नाक में दम करते रहते। हम जानते हैं कि हमको कहाँ बोलने का है, पर पता नहीं कैसा इस सबसे गोल गबड़ गबड़ हो जावत। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। हमारे जैसा किसी के साथ नहीं होता। हमारी भाषा में कोनो भाषा नहीं बची है। नहीं, मुझे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। वाकई तुमको लगे थे बहुत ही बढ़िया। वैसे आज तक हमने पूरी जिंदगी में इतना तारीफ कोई ना किया है। बीएफजी खुशी भराई के बीएफजी हमारा कौन सा शब्द है, बिल बरगवा। बीएफजी हम तो भूला नहीं समारा। बीएफजी मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, हम रानी के पास जाएंगे, हमें उनकी मदद की सब जरूरत है, हम सुबह होने तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुमको अपनी रानी को एक बिल बहलाने वाला खतरनाक अंधेर झड़ी दिखाना है। बहुत जरूरी है, जितना डरावना बना सकते हैं बनाइए। रानी को ये सपना आना चाहिए कि दैत्य सारे 9 दैत्य इंग्लैंड में है और वो बच्चों को खा रहे हैं। और हाँ,
जी, सेना डालना मत भूलना। हाँ, मुझे भी उसमें डालना। तो चलो चलो। अपने आप को भी डाल देना। बच्ची उनकी खिड़की पर बैठी हुई है और फिर वो अचानक उठेंगी और मैं वहाँ आऊंगी, मतलब हम वहाँ होंगे। अब फिर क्या होगा? फिर एक बड़ा फरिश्ता जैसा दैत्य आगे आएगा और अदब से झुकते हुए कहेगा, महारानी साहिबा, मैं आपका वफादार हूँ। तुम्हारा मत बोलो, हम का असल में देखेंगे। नहीं, कम से कम ये जवान में तो बिल्कुल नहीं, समझिए। रुकिए, आप मुझे गिरा देंगे। हम तो यहाँ औरत और मर्द इंसानों के सांसों को सुनने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया था। ओ, महारानी साहिबा, बस एक सपना ही था। हम आपके लिए चाय लाते हैं। हमने सपना देखा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को उनके बिस्तर से खींच कर निकाला जा रहा है और उन्हें बेहद भयंकर दैत्य जिंदा खा रहे हैं। वो एक नहीं, दो नहीं, कई सारे थे। मांस खाने वाला और वो कीड़े निगलने वाला और कच्चा चबाने वाला
एक और कोई तो था। खाल छीलने वाला? खाल छीलने वाला? माफ कीजिए। वो दैत्य खिड़कियों के अंदर अपने विशाल हाथ डालते और बच्चों को एक झटके में बाहर निकालते। बहुत ही खूनी मंजर था, मुझे एकदम असली जैसा लगा। बहुत ही असली मैरी। वो बच्चे बस गायब होते गए। ये कैसे हुआ? क्या बात है मैरी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? वो आइए मेरे पास आकर बैठिए जी। आप कहाँ पर रही हैं? बात क्या है? ये बात बहुत ही अजीब है मैम, बहुत ही अजीब। आपने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा ना? नहीं, अब तक तो नहीं पढ़ा। ये लीजिए, देखिए, ये पढ़िए। बिल्कुल वही सपना जो आपने देखा। कल रात को काफी बच्चे गायब हो गए हैं, उठाए गए, झपटे गए। पर दैत्य द्वारा नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता मैम। जरा पर्दे खोलिए। जी मैम। यकीन नहीं होता, एक छोटी सी लड़की हमारी खिड़की पर खड़ी है। खड़ी है या नहीं मिस्टर टिप्स? बेशक खड़ी है मैम। ये हमारे सामने खड़ी है मैम, और ये सपना नहीं है। पर मैंने ये भी देखा था। आप भला खिड़की पर आई कैसे? वो हमें संभाल दीजिए मैम, आप नीचे आइए। नहीं नहीं मेरी, रुक जाइए। एक दैत्य है जो आपको यहाँ लाया। हाँ आप सही कह रही हैं मैम, वो अभी गार्डन में इंतजार कर रहे हैं। सच में? सच में। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उन्हीं ने आपका सपना बनाया। वाकई? सच में? सच में। महारानी का गार्डन, पीछे की खिड़की प्लीज। ये बताइए, आप और आपका दैत्य हमसे मिलने क्यों आए हैं? आपको शायद याद होगा महारानी साहिबा, अगर बीएफजी ने गड़बड़ नहीं की हो तो। हाँ हमें याद है। तो आपके पास प्लान है और आपको हमारी जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, अगर आप कहें तो हम उन्हें बुला लें। हाँ हाँ बुला लीजिए। क्या आप वादा करेंगे आप उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी? महल के पीछे पीछे वाला गार्डन प्लीज। हम तैयार हैं। बीएफजी बीएफजी महारानी साहिबा आपसे मिलना चाहती है। आप उन्हें तहखाने में बंद नहीं करवाएंगी ना? आप वहां से नीचे उतरिए बेटा। मैरी इन्हें नीचे ले जाकर नाश्ते का इंतजाम कीजिए। मिस्टर चिप्स पता लगाइए कहां से आई है। नहीं 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 नहीं, वो बस डरे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ आज से पहले कभी किया नहीं है ना। बीएफजी अब हिम्मत दिखाइए, चलिए। चोट ना पहुंचाने का वादा किया था आपने। मिस्टर टिप्स, सिपाहियों से कहिए हथियार नीचे डाल दें। मिस्टर टिप्स, हथियार नीचे, जवानों प्लीज पीछे खड़े रहो।
मर जाने साहिब, हम आपका गफलेदार हूँ। आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। ओ मरजानी, ओ महान रानी, ओ इंग्लैंड की कर्ता, बैंगन भरता, हम यहाँ अपने किसी दोस्त सोफी के साथ आया हूँ। आपकी हमारी क्या करने? सहायता करने। शुक्रिया, लेकिन जरा ठहरिए, पहले हम ढंग के कपड़े तो पहन लें। दैत्य बोरिस, आदमखोर दैत्य, क्या लोग वहाँ भी गायब हो रहे हैं? हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। नैंसी, क्या रॉनी है वहाँ? तो फिर उठाइए उन्हें। महारानी साहिबा पधार रही हैं। हमारे साथ आइए, हमारे साथ। बहुत अच्छा, धीरे से संभल के, धीरे से सर, और बस वहीं रुक जाइए। इस तरफ सर, अब इस तरफ, कीमती चीजों को थोड़ा संभाल के सर, अब ऊपर ऊपर संभल के, ऊपर ऊपर, बहुत खूब। ये थोड़ा मुश्किल है, अब धीरे से आगे बढ़िए। आराम से। जी सर। एक था। एक बेशकीमती झूमर था। इनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ महारानी साहिबा, ये पहले कभी इंसानों के घर में नहीं आए हैं। आपका कौन सर? ये हम कौन तरह के मस्ताल जहाल खबरें। आपका बैग सर। महाराणी साहब, ये कमरा तो बहुत विशाल है, दूसरी ओर का हो रहा है इसके लिए टेलीस्कोप और दूरबीन की जरूरत हो। ये हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। जी महारानी साहिबा, दरअसल ये कभी स्कूल नहीं गए हैं। Thank you.
प्लीज बीएफजी शुरू कीजिए। एक हाके तो एक सब दिमाग में हाथ है मर जाने। अजीजों में लजीज, बहुत अजीज है। अलविदा ककड़भुजा। ये ककड़भुजा क्या है? वो एक बदबूदार बेकार सी सब्जी है और इन्हें सिर्फ वो ही खाने को मिलती है, लेकिन फिर भी पोषण में कमी नहीं हुई है। नो बीएफजी को उनकी कॉफी दीजिए प्लीज। ये कहाँ है? ये काला काला कहाँ है? ये कहाँ है? ये झाग कहाँ है? आपके दैत्य साहब तो शानदार हैं। सोफी बेटा शुरू करो, आपको भूख लगी होगी ना? ये स्वाजीज है। जानी हम गंदी सी कड़वी सी चीज का पी रहे थे मर जाने। क्या ये चाय पीना चाहेंगे? हम तो ककड़े शरबत पीना चाहेंगे। ककड़े शरबत? हमारी तरफ से मर जाने वास्ते एक छोटा सा तोहफा, लजीज झागदार ककड़े शरबत। ये का हमने अपने हाथ से बनाया है। बड़ी मेहरबानी। का मर जानी साहिबा, हमारी शरबत पीने की मेहरबानी करेंगी? इसके झाग उल्टी तरफ बनते हैं, हमारे यहाँ तो बुलबुले ऊपर उठते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा ठुमका मारे वाला संगीत बज जाए तो इन्हें संगीत पसंद है, हमारे यहाँ बैगपाइप्स हैं। जनरल्स को समझा दिया गया है मैम। यकीन करना मुश्किल है, पर हमारे पास वक्त कम है, हमें तुरंत दैत्य देश जाना होगा। बीएफजी आपको वहां जाने का रास्ता समझाएंगे। जनरल्स, ये हैं बीएफजी। 10 घंटे के बाद दैत्य दोबारा शिकार करने के लिए निकल पड़ेंगे और हम उन लोगों को रोकना चाहते हैं। और ये दैत्य देश आता कहां है सर? भाई तो हाथ है। कहाँ? नहीं यहाँ। जनाब, आपके जवान बीएफजी के पीछे जाएंगे। हमने वादा किया है कि आप सिर्फ एक बार ही दैत्य देश जाएंगे, दूजा बार आपको मिलेगा भी नहीं। देखिए
यकीन है बीएफजी में। बीएफजी में, बीएफजी में। लाजवाब बुलबुले हैं। ये जाम दैत्य देश के नाम। मैंने पकड़ा आपको दैत्यों को दे रहे हैं। हम इन सब का ही भयानक नायूसी भरोसा बना देता हूँ। अगर इस सपने ने अपना काम कर दिया तो जब ये उठेंगे तो इनकी हालत बहुत पतली होगी, और अगर इनके बड़े हवाई टप्पों ने अपना काम ठीक से कर दिया तो कामयाबी हमार। तुमने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। वक्त आ गया, अब पीछे हट जाओ बच्ची। अब दैत्यों का दैत्य देश में ही शिकार होगा। अब सोफी का सपना क्या है? छोटी सुनहरी रोशन लड़ी, आजकल कब देखा को मिला था। पर वो कहते क्या है? एक छोटी बच्ची की कहानी कहा था, एक छोटी लड़की जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका खुद का एक परिवार है, कभी उनके भी खुद के छुटके छुटके बच्चे होंगे, उनका भविष्य बहुत खुशहाल और बहुत ही सुखद होगा, और सच कहें तो बहुत कम उदासी होगी। कभी मुश्किल वक्त होगा तो कभी अच्छा रोमांच आएगा और जाएगा, पर अंत में उसका सारे नेक काम याद रहेंगे। सुना तो ना सोफी, हम जानता हूं वो कहानी तुम्हारे दिल की आरजू है। हम जानता हूं ये सपना तुमको उस दिन आया था ना, ये सोफी का सपना होगा। फिर मैं जाग गई थी।
हाँ तुम जाग गई थी पर यहाँ नहीं। नहीं, तुमका भी और सपना पूरा करना है मलबूटी नन्नी परी। पर दैत देश में बिल्कुल नहीं। पर आप मेरे साथ वहाँ होंगी ना? पुकारने पर आप मेरी आवाज तो सुनेंगे? तुम कुछ भूल रही हो ना? तुम्हें क्या भूल रही हो? वक्त आ गया है बीएफजी। अरे हम कहाँ छोड़ दिया? हमने अपनी पिपड़ी मरजानी साहिबा के यहाँ छोड़ाया हूँ। क्या गड़बड़ घोटाला है! हम दैत्यों का दिमाग कभी कभी फेर जाते हैं। हमका हमेशा बुराई से दूर रखना भैया। सोफी, अरे क्या? रुक। बहुत दूर ले जाया गया, ऐसी जगह जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा और ना ही आप कभी वहां जाना चाहेंगे। Thank you.
साहिबा ने उनके साथ कक्कड़ भुजे के बीज भेजे। उसके अलावा उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और अब उनको उसकी आदत भी डालनी थी। सब चलो अब उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग सोफी। कल रात मुझे एक सपना आया। उस सपने में एक मधुर गुनगुनाती आवाज से मेरी नींद खुली। मैं खिड़की पर गई और मुझे दूर दिखाई दिए उनके लंबे उछलते हुए पैर, हाथ में सूटकेस और ट्रम्पेट। मैं दूर दैत्य देश तक देख पा रही थी, उस गार्डन को जिसे बीएफजी सजा रहे थे। वहाँ उनके पास फल और सब्जियाँ थी, जैसे फूल गोभी और टमाटर। उन्होंने बंद गोभी खाने से मना कर दिया था, पर अभी भी कक्कड़ भुजा उनके घर के बगल में उग रहा था। वैसे भी उसके बिना वो कक्कड़े शरबत कैसे बनाते। मैंने पत्थर का दरवाजा देखा और टूटी फूटी खिड़कियाँ। उनका चोगा दरवाजे पर लटक रहा था। मुझे उनके नाव का बिस्तर भी दिखाई दिया, उनकी झूलने वाली कुर्सी, और अंगीठी में आग जल रही थी और उसमें इस बार कुछ बढ़िया पक रहा था। मैंने उस किताब के पन्ने बिखरे हुए देखे जो वो लिख रहे थे। वो खुश थे और मैं भी खुश थी। मैं जब अकेली होती हूँ, जो आजकल पहले से कम होता है, उनसे बात करती हूँ और वो मुझे सुन भी सकते हैं, क्योंकि बीएफजी को दुनिया की सारी रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग बीएफजी।